ऐसे आजकल देगा आपको भाइयों बहनों कंपैरिजन पसंद है, भिड़ाना पसंद है, सो आज भिड़ाते हैं हमारे प्यारे iPhone XR को वर्सेस iPhone SE 2020, दोनों को भिड़ाते हैं। इस पे कौन जीतता है वैसे, इस पे प्राइसिंग क्या है और ऑफर क्या है और कंडीशंस क्या है और कैशिफाई पे ये कैसे कैसे देखने मिलते हैं कलर्स में। और अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया फॉर मोर अपडेट्स, जिससे वैसे ऐसे ऐसे वीडियोस देखने मिलते हैं इम्प्रूव्ड, तो वो आपको करना है। सबसे पहले जो iPhone XR है और iPhone SE 2020 जो है वो एग्जैक्टली दोनों स्टॉक में है अवेलेबल, आप जाके इसको सिंपली परचेज कर सकते हो। सबसे पहले बताते हैं कैशिफाई के कुछ ऐसे तीन प्रकार की चीजें जो आपको सबको पता होना चाहिए। 32 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी चेक देखने मिलता है कैशिफाई पे, 15 डेज रिफंड ऑप्शन देखने मिलता है, 6 मंथ प्रोडक्ट वारंटी देखने मिलती है। ये आपके परचेजिंग गाइड में बहुत हेल्प करेगा, आप इस चीज को नोट करके रख लो। आप इसको चाहे ऑफलाइन से लो या फिर ऑनलाइन से लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो, रेट जान सकते हो, स्कीम जान सकते हो और नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन देखने मिलते हैं सारे फोन्स पे। सबसे पहले जो XR है वो 2018 में हमें देखने मिला था और जो iPhone SE 2020 है वो हमें 2020 में ही देखने मिला, तो वो दोनों में ये चीजों का फर्क है। तो उससे पहले जो मेन सॉफ्टवेयर है उस चीजों का भी फर्क है। सो यहाँ पर अभी ये चीज तो क्लियर है, XR में कम मिलेगा और iPhone SE 2020 में ज्यादा देखने मिलेगा। सो अभी एग्जैक्टली क्या कैसे देखने मिलता है वो थोड़ा क्लियर करते हैं। तो XR जो है पर वैसे एप्पल ट्रैक से जो लीक आती है iOS 18 में हमें क्या फीचर्स देखने मिलेंगे, कैसा क्या रहेगा, वो तो हमें पता चला उस चीज में। बट एप्पल ट्रैक ने ये चीज भी बताई कि भाई यहाँ पर जो iOS 18 है उसमें iPhone XR, XS, XS Max ये चीजों में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। बट फिलहाल अभी करंट लेने वाले हो तो ये चीजों को सोच के चलो, अगर नहीं मिला तो क्या, तो वो एक चीज है कि यहाँ पर आप सोच लो नहीं मिलेगा तो वो फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। बट वेट, मैंने इस चीज को क्लियर किया इस वीडियो के माध्यम से, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो आंसर निकलता है वो है फिलहाल तो यस। वो यस कैसे वो जानो उधर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेटेस्ट अपडेट देखने नहीं मिलेगा तो उसमें क्या है। बट अभी भी स्टिल 17 के फर्मवेयर अपडेट्स हमें माइनर देखने मिलेंगे। अब बात करें वैसे स्टिल एक अपडेट पे या फिर लेटेस्ट एक रिफ्रेशमेंट पे, तो वो लोग भी एक चीज नोट करते हैं फिर उससे परचेज गाइड क्लियर होती है। तो सबसे पहले बात करें डिस्प्ले पे, दोनों में LCD डिस्प्ले है, दोनों प्रीटी मच अपने अपने हिसाब से ब्राइट है। बट iPhone XR में हमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के नाम से टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, बट प्रैक्टिकली आपको उस चीज का फर्क नहीं पता चलेगा। दोनों भाई भाई डिस्प्ले है, बस एक साइज का फर्क है। iPhone XR देता है 6.1 इंच, iPhone SE 2 देता है 4.7 इंच। अब यहाँ पर बात नहीं खत्म होती है डिफरेंस में, यहाँ पर और शुरुआत होती है इस चीज की। जैसे कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो एच टू एच हमें iPhone SE 2 में नहीं देखने मिलता है और iPhone XR जो है वो हमें बेजल लेस डिस्प्ले देता है विथ नॉच। फिर यहाँ पर जो इंटरफेस है वो दोनों में अलग अलग तरीके से काम होता है, एक होम बटन के थ्रू से स्टार्ट होता है, उससे ही सारी एप्स चलती है। फिर उसके बाद जो iPhone XR है वो हमें फेस आईडी से ओपन होता है, टैप करके ओपन होता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो सैंडविच बनता है iPhone XR का वो बहुत बेस्ट है, जिससे कि कैमराज भी अच्छे हैं पिक्सल वाइज में। बट स्टिल एक बात आती है, मॉडल पुराना है, मुझे आईफोन को एक्सपीरियंस अभी करना है फिलहाल तो iPhone SE 2020 इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पर हमें लेटेस्ट 8/13 बायोनिक चिपसेट देखने मिलती है जो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देने वाला है iOS 18 और iOS 19 का मेजर सपोर्ट। अगर आपके फादर को फोन देना है गिफ्ट में तो ये आप ले सकते हो iPhone SE 2। बट प्रैक्टिकल किसी भी यूजर को अगर देखना है ऑप्शन अगर मैं दूं तो मेरे हिसाब से 99% iPhone XR ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि वो लुक्स के हिसाब से नहीं है, प्रैक्टिकल फीचर हमें क्या देखने अभी मिलते हैं करंट। और वैसे iPhone SE 2020 और iPhone XR में जो बैटरी लाइफ है उसका भी फर्क है mAh के साइज में। वैसे iPhone XR में हमें देखने मिलता है 2942 mAh बैटरी, iPhone SE 2020 में हमें देखने मिलेगा 1821 mAh बैटरी। और वैसे ये चीज को नोट करना मत भूलना। फिर यहाँ पर बात करें कैशिफाई की प्राइसिंग पे, तो यहाँ पर अभी iPhone XR हमें XR की जो प्राइस है फेयर कंडीशन में वो है 15,999, माइनर स्क्रेचेस एंड डेंट होंगे फर्क नहीं पड़ता है, कवर लगा लेना वो बहुत बेहतरीन रहेगा। बट मैं आपको स्टिल क्लियर करता हूँ नए व्यूवर्स हो और वैसे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ से एम वे ही चले मत जाना। और उसके बाद बात करें गुड कंडीशन पे 16,999, जिसमें हमें स्क्रेच एंड डेंट 50% कम हो जाते हैं। अब इससे याद आता है सुपर कंडीशन, तो वो है 17,999। अब ये चीज नोट करके रख सकते हो, अभी फिलहाल करंट प्राइस है और एवरी डे ये चीजें फ्लक्चुएट होती है। सो ये फिलहाल ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं iPhone XR में, ये 3GB/64GB के ऑप्शन बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर जाते हैं iPhone SE 2020 के प्राइस पे,
तो यार ये चीजें बहुत अच्छी है, और इस पे आपके ओपिनियन क्या है वो मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन बिलो में। सो फिलहाल अभी ये वीडियो को रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं। तो अदरवाइज सॉरी रुक जाओ, अगर आपने यहाँ पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया फॉर मोर अपडेट्स के लिए तो वो किया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।